ये देखो पड़ोसी के बेटा इतना नंबर लेके आ रहा है, वो देखो वाली मौसी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वो देखो अंजू बुआ की बेटी कितना अच्छा एग्जाम निकाल दी है, वो तो अभी आईएएस बनने जा रही है, तुम क्या करोगे। और अक्सर आप देखोगे जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, उनमें ये फोन वोन पे व्हाट्सएप वगैरह पे ज्यादा बातचीत नहीं होती है। हो सकता हो आपके दोनों के रास्ते भी अलग हो जाएं, हो सकता हो बातचीत भी कम हो जाए। और जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, वो जल्दी एक दूसरे से ये कहते भी नहीं है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो। अनसेड रूल होता है, अनकहा नियम होता है कि हाँ तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती सबसे ऊपर है, पर बार बार बोलना नहीं पड़ता उनको। व्हाट्सएप पे उनको वो दोस्ती वाली शायरी नहीं शेयर करनी पड़ती, उनको वो दोस्ती वाले स्टेटस नहीं लगाते। इनफैक्ट इतनी गहरी दोस्ती होती है कि फ्रेंडशिप डे कब आया कब निकल गया उन दोस्तों को पता भी नहीं चलता है, उनसे हम बोलना भी भूल जाते हैं। वैसे तो बोलना चाहिए, पर कोई बात नहीं। अक्सर आप देखना जो आपके सबसे बेहतरीन मित्र होंगे, सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनसे कभी आपने ये बात ही नहीं की होगी कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। क्योंकि ये सब बातें बोलने की नहीं होती, ये सब बातें करने की होती है, निभाने की होती है। जब आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सच्चा मित्र वही होता है जो उस समय आपको एक मैसेज करे कि भाई आज खेलने आएगा, और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो पलट के फिर कॉल ना करे कि भाई आ जा कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। वो सच्चा मित्र थोड़ी है, वो तो खुद भटक गया है और साथ ही साथ आपको भी भटकाने की कोशिश कर रहा है। जीवन में यदि कोई भी कीमती चीज मिले, कीमती चीज आपका कीमती समय हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती व्यक्ति हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती सामान हो सकता है, उन चीजों की बेटा कद्र करना सीखो, वरना आगे जीवन में जाके बहुत पछतावा होता है कि मैंने जीवन में कीमती चीजों की कद्र नहीं की। अक्सर आप देखो हमारे माता पिता क्या होते हैं, हमें लेके ओवर सेंसिटिव होते हैं, हमें लेके इनसिक्योर होते हैं कि ये जीवन में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं आपको बार बार घर में परेशान भी करते हैं, डांटते भी हैं, हर बार सही भी नहीं होते वो डांटते वक्त, कहीं ना कहीं आप पे जाने अनजाने प्रेशर बना देते हैं। ये देखो पड़ोसी के बेटा इतना नंबर लेके आ रहा है, वो देखो वाली मौसी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वो देखो अंजू बुआ की बेटी कितना अच्छा एग्जाम निकाल दी है, वो तो अभी आईएएस बनने जा रही है, तुम क्या करोगे। गलत है, सही बिल्कुल नहीं, बहुत गलत काम करते हैं ये, नहीं करना चाहिए, पर इसके पीछे का कारण समझते हैं ना, हम सब तो पढ़े लिखे लोग हैं। कारण क्या है? कारण है उनकी इनसिक्योरिटी, उन्होंने जीवन में आई उन अपॉर्चुनिटीज का, उन कीमती चीजों का कदर नहीं किया। वो चाहते हैं कम से कम जो उनका बेटा है उनकी बेटी है वो कदर करना सीखे सही चीजों की। दिस इज ऑल दे वांट फॉर यू, एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि जो पेरेंट्स आपको डांटते हैं, जो आपको कंपेयर कर देते हैं दूसरे लोगों से, दूसरों के बच्चों से, वो सही है, बिल्कुल भी सही नहीं बेटा, वो बहुत गलत चीज है। पर उसके पीछे कारण देखो ना, शायद उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। उनके जमाने में हो सकता हो लोग इतने अवेयर ही नहीं थे, उनको किसी ने इस चीज की शिक्षा ही नहीं दी कि बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनको नहीं पता ये सारी बातें। आपको पता है ना, अब देखो आप जिस दिन माता पिता बनोगे आप तो अपने बच्चों को नहीं कंपेयर करोगे ना लोगों से, इतना तो आपने अपने जीवन से सीख लिया होगा ना, कहीं गलत चीज तो नहीं सीख ली है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से बहुत दिल लगाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सब अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से पूरे ऑनेस्ट रहते हैं, पर दुनिया कठोर है, दुनिया हमें छल दे देती है, सामने वाला व्यक्ति हमें छल दे देता है, हमसे चीट कर देता है, हमें धोखा दे देता है, हमें तड़पा देता है, परेशान कर देता है, एक बार बात करने को आपको तरसा देता है, आप बोलते रह जाते हो प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज कॉल उठा लो, 10-10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है, और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है कि दुनिया बहुत बुरी है, मेरे साथ इस दुनिया ने बहुत धोखा किया है, दुनिया मेरा इस्तेमाल करती है, आई एम बीइंग यूज्ड। और फिर वो कहावत हमने सुनी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा देंगे, पर हम जैसे को नहीं, हम पूरी दुनिया को तैसा देने लग जाते हैं। कहीं आपके अंदर ये भावना तो नहीं बन रही कि जिस दिन मेरे बच्चे होंगे उनको भी मैं ऐसे ही तड़पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बेटा, आपको सही शिक्षा मिल रही है। हो सकता हो किसी कारण से आपके माता पिता कोई शिक्षा मिली नहीं पाई हो, अंत में वो यही चाहते हैं आप भला करो, पर उन्हें तरीका ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि आपसे आराम से बैठ के बात करने से भी चीजें सही हो सकती है। आपको लगता है कि मैं अपने दिल का ये बोझ कैसे उन माता पिता को दूं जिनके ऊपर पहले से इतना बोझ है? परिवार वाले उनको टारगेट करते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या कर लेंगे, तुम्हारा घर तो इतना छोटा सा है, इतने गरीब घर से तुम आते हो, क्या होगा तुम्हारा, हर जगह उनको जलील करते हैं।